नमस्कार दोस्तों, भारी बारिश, आंधी, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और भयानक खबर। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी ताबड़तोड़ बरसात से दोस्तों यहां का जो चारों ओर का क्षेत्र है वो जलमग्न हो गया है। साथ ही दोस्तों आंधी की रफ्तार भी यहां पर 60 से 70 किलोमीटर बताई जा रही है। दोस्तों पूरा का पूरा राज्य लगभग खत्म सा हो गया है। असम में एक बार फिर दोस्तों जो बाढ़ की स्थिति है वो विकराल हो गई है। वही दोस्तों अभी पिछले 24 घंटों में 12 और लोगों की मौत हो गई है। अब तक 151 दोस्तों दम तोड़ चुके हैं। वहीं दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है तथा दोस्तों मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है अगले 24 से 48 घंटों में एक बार फिर से भारी बरसात की संभावना जताई गई है, जिससे दोस्तों जो लोग घरों में हैं अपने बच्चों को दोस्तों घरों में ही रहने दें, क्योंकि जो पुराने नदी नाले हैं वो भी दोस्तों उफान पर आ गए हैं। असम में बाढ़ और भूस्खलन में 12 और लोगों की मौत हो गई है। पिछले 12 घंटों में 6 लाख से अधिक लोगों को उपनती नदियों ने प्रभावित किया है, जिससे अधिकारियों और प्रभावित लोगों को दोस्तों बीते घंटे 1.5 लाख से अधिक लोगों को बचाने के लिए नए राहत शिविर स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में भूस्खलन से जो मुगल रोड था वो भी दोस्तों ब्लॉक हो गया था। वहीं फिलहाल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दोस्तों जमकर बारिश हो रही है। अगले 24 से 48 घंटों में लगभग 12 राज्यों में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। फिलहाल असम, मेघालय और त्रिपुरा में दोस्तों भारी बरसात कहर बरसा रही है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों मौके पर बाढ़ राहत का जो शिविर है दोस्तों वो भी लगा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बाढ़ प्रभावितों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों आप चाहे किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हो, हर राज्य के मौसम से संबंधित सारी अपडेट चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।